हेलो फ्रेंड्स, आज हम पाइथन फ्लैश में एक वेब एप्लीकेशन पे डिजिटल क्लॉक डिस्प्ले कराना देखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो फ्लैश का कोड देख लेते हैं। सिंपल, यहाँ एक क्लॉक फंक्शन बनाया है रेंडर टेम्पलेट के सहायता से। टेस्ट डॉट एच टी एम एल को हम कॉल किए हैं। अब टेस्ट डॉट एच टी एम एल में हम आते हैं। यहाँ पे हम जो एच टी एम एल है उसमें हम देखते हैं डिव आईडी दे दिए हैं ए, क्लास बना इसका हम दिए हैं क्लॉक, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज कर दिए हैं और यहाँ पे हम कुछ सी एस एस लगाया है, जैसे बैकग्राउंड ब्लैक है, आपका क्लॉक जो क्लास है उसमें हम पोजीशन वगैरह जो है सिंपल सी एस एस है, इसको आप आसानी से चेंज करके जिस हिसाब से आप क्लॉक को दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट के सहायता से हम इसको बनाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट कोड पे आते हैं। तो जब भी आप जावास्क्रिप्ट कीजिए तो उसको प्रोसेस कीजिए, आप जो कंपाइलर है या सॉरी आईडी है वो आप हमेशा ब्रैकेट्स यूज कीजिए, या इसके अलावा भी आप दूसरा यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट्स से बेटर क्या होगा आपका, जो आप वहाँ पे सजेशन में दिखेगा। किस लिए? तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पे स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में अगर आप मिसमैच करते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा, तो ब्रैकेट्स से ज़्यादा सेफ रहेगा, आप यूज कीजिए। यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, डिजिटल डिजिटल फंक्शन क्रिएट किए हैं। इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आज का डेट है या अभी का टाइम आज का टाइम है उसको हम एक वेरिएबल में ले आते हैं। वर डेट इक्वल टू कर देते हैं न्यू डेट। इसके बाद इसमें से हम अलग कर देंगे क्या क्या, आवर को, मिनट को और सेकंड को। तो हम आते हैं वर एच इक्वल टू कर देते हैं हम डेट डॉट गेट आवर, आवर अलग हो गया। वर एम इक्वल टू कर देते हैं डेट डॉट गेट मिनट्स मिनट्स। वर एस इक्वल टू हो गया डेट डॉट गेट सिंपल, सारे को अलग कर दिए, डे आवर मिनट और सेकंड को हम एक वेरिएबल में ले आए, एक एक वेरिएबल में दे दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम देते हैं जो हम क्लॉक में देखते हैं अक्सर, ए इक्वल टू हम कर देते हैं कोलोन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले हम कहाँ कराएंगे, जो हम डिप बनाया है उसमें। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई डी, आई डी हम ए डिप कब दिए थे तो ए दे दिए, डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू हम कर देते हैं एच प्लस ए प्लस, पहले आवर हो गया फिर मिनट फिर प्लस हो जाएगा ये फिर सेकेंड प्लस सेकेंड, डिस्प्ले करा दिए। फंक्शन को हम कॉल कर देते हैं यहाँ डिजिटल, इसको सेव करके हम यहाँ से रन करते हैं अपने फ्लैश के एप्लीकेशन को। सिंपल, मेरा डेट आ गया, टाइम आ गया। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे ये अपडेट नहीं हो रहा है, या आपके सिंगल आप देख रहे हैं आवर जो 12 12 आवर के फॉर्मेट में होना चाहिए, ये 24 आवर के है, या मिनट यहाँ देखिए सिंगल डिजिट में है, तो इनको हमें सुधारना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम चेंज क्या करेंगे, जो आपका सिंगल डिजिट में आ रहा है मिनट, इसको चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन चेक आई, यहां पे आई कंडीशन लगा देते हैं हम, इफ आई लेस देन 3 अगर हो तो उस कंडीशन में क्या करो, आई इक्वल टू कर दो, पहले 0 लगा दो और फिर आई को डिस्प्ले करो, यानी 2 डिजिट में कर दो, रिटर्न करो आई को सिंपल। अब क्या करेंगे हम एच इक्वल टू कर देते हैं चेक, आवर को चेक करेंगे सिंगल डिजिट में है या नहीं, एम इक्वल टू कर देते हैं चेक एम, और एस इक्वल टू कर देते हैं चेक एस।
यहाँ जो आई हम दिए हैं फंक्शन में, ये फंक्शन में बेसिकली आई नहीं है, ये जो पैरामीटर में हम कॉल किए हैं, जैसे चेक एच कॉल किए हैं तो एच को चेक करेगा, लेस देन 10 है तो टू डिजिट में करेगा, एम अगर लेस देन है तो उसको टू डिजिट में करेगा, एस अगर लेस देन है तो उसको टू डिजिट में करेगा, सिंपल। अब इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं ये टू डिजिट में हो गया, जैसे जीरो सेकेंड है तो जीरो सेकेंड आपका टू डिजिट में हो गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए हम सेट टाइम आउट मेथड का यूज करेंगे, सेट टाइम आउट। यहाँ मेथड में दो चीज ध्यान रखना है, एक तो टाइमिंग और फंक्शन, किस फंक्शन को आप उस टाइमिंग पे कॉल करना चाहते हैं बार बार। तो हम फंक्शन जो है मेरा डिजिटल, डिजिटल फंक्शन को यानी बार बार टाइम कोड यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं, जस्ट फंक्शन को कॉल करके टाइम को फिर से डिस्प्ले करेंगे कितने सेकंड के बाद, तो 1000 मिली सेकंड के बाद, यानी एक सेकंड पे अपडेट होना चाहिए। इसको सेव करके हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका सेकंड मूव हो रहा है, क्लियर। अब क्या करेंगे हम, हमें सिंगल डिजिट में लाना है, आपका 12 आवर के फॉर्मेट में लाना है। 12 आवर के फॉर्मेट के लिए हम यहाँ एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एच एच अगर ग्रेटर देन 12 है, 12 अगर है तो उस कंडीशन में क्या करो, h इक्वल टू कर दो h माइनस 12, ये आपका आ जाएगा 12 आवर के फॉर्मेट में। इसको सेव कर दीजिए और रिफ्रेश करते हैं, आ गया सिंगल डिजिट में। अब क्या करेंगे हम, सिंगल डिजिट में आने के बाद हम सिंपल लास्ट में जब हम देखते हैं टाइमिंग में तो क्या होता है, ए एम है या पी एम है वो शो करता है, तो ए एम पी एम के लिए हम क्या करते हैं एक और वेरिएबल दे देते हैं, उसको भी हम दिखाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम देते हैं एक वेरिएबल, यहाँ आते हैं ब्रैकेट्स में और यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सेशन इक्वल टू कर देते हैं हम पी एम, क्लियर। अब ए एम पी एम के लिए क्या होगा, कंडीशन हम लगाते हैं इफ एच, इसको हम नीचे लगाते हैं चेक करने के नीचे, इफ एच ग्रेटर देन 12 अगर हो तो उस कंडीशन में क्या करो आप, सेशन इक्वल टू कर दो पी एम, एल्स जो सेशन है आपका ए एम हो जाएगा, सिंपल। इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव करके रिफ्रेश करेंगे, सॉरी यहां रिफ्रेश करने से पहले हमें इसको डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ इनर एस्टीमेट चेंज कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्पेस लगा देते हैं और उसके बाद सेशन को ऐड कर देते हैं, अब सेव करके इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं, आ गया पीएम। अब क्या करना है मेरा, सिंपल जो टाइमिंग है इसमें कुछ डिजिटल टाइप का होना चाहिए, यानी डिस्प्ले आपका पर सेकेंड चेंज होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सेकेंड में एक फंक्शन बना देते हैं, लॉजिक लगाएंगे जो आप ऑड इवेन का लॉजिक देखे हैं, जो ऑड इवेन नंबर का, सिंपल वही लॉजिक यूज करेंगे। जैसे हम इफ एस जो सेकेंड है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 अगर होता है, यानी इवेन अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या करो, सेशन सॉरी सेशन नहीं ए वैल्यू, ए का वैल्यू चेंज करेंगे, ए इक्वल टू कर दो आप ब्लैंक, यानी स्पेस होना चाहिए, और एल्स ए इक्वल टू जो था मेरा वही है, सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए ये आपका डिस्प्ले जैसे सेकेंड आपका मूव होगा उस हिसाब से ये आपका डिस्प्ले ब्लिंकिंग करेगा। इसी का लॉजिक यूज करके आप टाइमिंग जो कलर है उसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, या जो अच्छा लगने के लिए आप इसको काफी कुछ सिंपल लॉजिक आप यहाँ यूज कर सकते हैं, जिस लॉजिक पे हम सेकेंड पे
चेंज किए हैं। इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल जो कलर है आप कलर का वॉच का कलर, उसको डिजिटल कलर जो हम यहाँ देख रहे हैं उसको हम वाइट कर सकते हैं। तो सिंपल जस्ट लॉजिक हम करके यहाँ पे जस्ट लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी कॉल करके जो टेक्स्ट का कलर है उसको चेंज कर देंगे। इस तरह हम आसानी से, बहुत सारा लॉजिक है इसमें, आप यूज कीजिए और उसको जो क्लॉक है उसको आप जितना अच्छा या सुंदर बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। सिंपल कोड है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सिंपल हम क्या किए हैं, एक वेरिएबल पे जो आज का डेट है उसको कॉल किए हैं, उसमें से आवर मिनट और सेकंड को अलग किए हैं, सेशन वेरिएबल लगाए हैं और उसमें हम चेक किए हैं 12 आवर के फॉर्मेट में है नहीं है तो 12 आवर के फॉर्मेट में लाया है, सिंगल डिजिट में अगर आ रहा है तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना दिए हैं। फंक्शन में क्या होगा, आपका अगर मिनट हम चेक कर रहे हैं तो एम आपका पास होगा और एम लेस देन 10 है तो जी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस एम, और रिटर्न करेगा एम को। सिंपल डायनेमिक और एनिमेशन टाइप बनाने के लिए हम सिंपल उसको क्या किए हैं, ए का वैल्यू को चेंज कर दिए हैं, पहले ब्लैंक रहेगा, अगर इवन नंबर रहेगा तो ऑड नंबर रहेगा तो उसमें आपका कोलोन दिखेगा। सिंपल उसके बाद हम क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी जो है मेरा ए का हम इनर एचटीएमएल में टोटल डिस्प्ले कराए हैं। सीक टाइम आउट मेथड का हमेशा रखिएगा याद, इसमें फर्स्ट में आपका फंक्शन होगा और नेक्स्ट में आपका टाइमिंग होगा। टाइमिंग अगर आप चेंज करते हैं, जैसे आप कुछ चेंज करेंगे तो इसमें भी आपको दिखेगा परफेक्ट। देखिए यहाँ पे आपका ये और जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा 1 सेकेंड इक्वल टू होता है 1000 मिली सेकेंड, तो हम 1000 मिली सेकेंड यहाँ पे दे दिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कॉमेंट करें।